हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र ने भाजपा नेताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उन्होंने इस संबंध में मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस वे पार्टी है जिसने देश को हर क्षेत्र में सशक्त बनाया है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अब ना तो जीएसटी और ना ही काले धन पर वोट मांग रही है, इसके स्थान पर अब चौकीदार के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। इससे पहले भाजपा ने चाय वाले के नाम पर वोट मांगे थे, ये अपने किसी भी वायदे को आज तक पूरा नहीं कर पाई है। प्रेम कौशल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक कंपनी जैसे MTNL और BSNL का बंटाधार किया, जिससे हजारों कर्मचारी बाहर होने की कगार पर हैं। उन्होंने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चारों की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने बिलासपुर PG कॉलेज के वार्षिक समारोह में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने पर ऐतराज भी जताया। उन्होंने कहा कि ये सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति राजनीतिक तौर पर होती है। कांग्रेस इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे बात करें कि जो वायदे उन्होंने देश की जनता के साथ किए थे उनका क्या हुआ, वो लोगों को बताएं। आज वो अपेक्षा देश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से।